अब खबर भरतपुर से। डीएसपी अनिल मीना ने बताया कि 9 जून को शाम को सूचना मिली थी कि नगर थुन मार्ग पर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा है, जिसकी सूचना पाकर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से नगर CHC पर लाया गया, जिसकी पहचान हरुमान प्रजापत थुन निवासी के रूप में हुई, जिसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देकर जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया। मृतक हरमुख प्रजापत के रास्ते में हालत ज्यादा खराब होने के कारण वहां पे हसमुख प्रजापत ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिस मामले को लेकर आज मृतक हरमुख के परिजनों ने आक्रोश में आकर हरमुख के शव को लेकर नगर डिग मार्ग पे जाम लगा दिया और हथियारों को जल्द पकड़ने की मांग उठाई, जहां पर सूचना पाकर एडिशनल SP रघुवीर सिंह, DSP नगर अनिल मीना, SDM सुरेंद्र प्रसाद व आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की और बात की और उन्हें पूर्ण आश्वासन देकर जाम को खुलवाया और मृतक के हत्यारों को जल्द पकड़ने व न्याय दिलाने के आश्वासन दिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। सर, क्या मामला है जो आज जाम लगाया है नगर डीग मार्ग पर? हमारे गांव थून निवासी एक हरमुख प्रजापत लड़का था और परिवार में बेचारा इकलौता ही कमेरा था, बाकी और भाई उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसकी हत्या, निर्मम हत्या, हत्या नहीं निर्मम हत्या, जिसकी आंख फोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए, निर्मम हत्या की है। उसकी डेड बॉडी को रख के मुलजिम को गिरफ्तारी की मांग और मृतक के आश्रितों को जो न्याय संगत आर्थिक सहायता मिल सकती हो, जिससे परिवार का लालन पालन हो जाए, उन पर रहने के लिए मकान की छत भी इनके सर पे नहीं है। सरकारी जो कार्यालय है उस कार्यालय में ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब ऐसे गरीब की एक निर्मम हत्या हुई है, इसको न्याय मिले, इस न्याय को लेकर सांकेतिक कुछ ग्रामीणों ने जाम लगाया था, समझाइश के बाद वो जाम खोल दिया। प्रशासन ने आश्वस्त किया है और हमने हमारी तरफ से टाइम दिया है, अगर 7 दिन में मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए, हमारी मांग जो है, चाहे इसमें कितना भी बड़ा आदमी मुलजिम क्यों ना हो, मुलजिम बचना नहीं चाहिए और निर्दोष आदमी कोई फंसना नहीं चाहिए, ये मांग हमने रखी और प्रशासन ने इस मांग को स्वीकार किया है। इसके बाद जाम खोल दिया गया। सर, क्या मामला है जो सर जो आज ये जाम लगाया है? कल सुबह हरमुख सनोप में जाति कुमार निवासी थून की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर पुलिस पहुंची थी मौके पे ग्रामीणों की सूचना पे, और उसको यहाँ पे CHC पे नगर CHC पे हालत सीरियस होने के नाते रेफ़र किया गया था। रेफ़र होके भरतपुर गए थे, भरतपुर से डॉक्टरों ने जयपुर के लिए रेफ़र किया था। दोसा पहुँचते पहुँचते उसमें दम तोड़ दिया, इस वजह से दोसा चिकित्सालय में उसका आज पोस्टमार्टम करवाया गया है और परिजनों ने वहाँ हत्या की आशंका की रिपोर्ट दी है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है हत्या में और पुलिस ने पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी दे दी है। परिजनों का आक्रोश है कि इसमें जल्दी गिरफ्तारी और जल्दी कार्रवाई हो, जिसका अभी परिजनों से और SDM साहब एडिशनल साहब पधारे हैं मौके पे और इनके बीच में ये बात हुई है कि जल्दी से जल्दी पुलिस इसमें शीघ्र कार्रवाई करेगी। सर, ये जाम लगाया है सर, कितने टाइम तक जाम रहा है और परिजनों ने किस आश्वासन पर जाम को खोला है? सर, परिजनों की आक्रोश था कि भाई इसमें जल्दी कार्रवाई हो, शीघ्र कार्रवाई हो, इसलिए परिजनों ने यहाँ पे उस समय के लिए डेड बॉडी को रख के प्रदर्शन किया है और प्रशासन और पुलिस ने तत्परता से उनको समझाइश की है और आश्वासन दिया है कि इसमें शीघ्र से शीघ्र जल्दी कानूनी